हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। जी हाँ, हौसला और जज्बा ऐसा होना चाहिए। और जब आप में हौसला और जज्बा हो, कुछ करने की चाहत हो, जुनून हो, तो हर मंजिल आसान सी लगने लगती है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे देश में जो अपने हौसले और जज्बे से तमाम कामों को आसान बना रहे हैं, दूसरों के लिए प्रेरणा के स्रोत बन रहे हैं। ऐसी तमाम कहानियाँ जो आम लोगों की हैं, बेहद ख़ास काम कर रहे हैं, हम समेट कर लेकर आते हैं अपने इस विशेष कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूँ शहला निगार और आप देख रहे हैं हमारा ये ख़ास प्रोग्राम गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। पहाड़ों में शिक्षा हासिल करने में बच्चों को कई बार कई प्रकार की समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। कई बार रास्ते टूट जाते हैं, कई बार पहाड़ियां दरक जाती हैं। शहरी इलाकों में तो ऐसा होता है कि बहुत सारी लाइब्रेरीज होती हैं, बच्चे वहां जाकर पढ़ सकते हैं, लेकिन पहाड़ी इलाकों में उसका भी अभाव है और साथ ही साथ संसाधनों की कमी भी एक बड़ा मसला है। ऐसे में नैनीताल में कुछ युवाओं ने बीड़ा उठाया है, दूरस्थ दुर्गम इलाकों में जाकर बच्चों को किताबें बांटने का, ताकि बच्चों की पढ़ाई जारी रख सकें। किस प्रकार से ये इस कार्य को कर रहे हैं, क्या कुछ है इनकी पहल, आइए देखते हैं। आपको मिलवाते हैं उत्तराखंड के नैनीताल जिले के कुछ युवाओं से, जिन्होंने एक ऐसी अनोखी पहल की है जिससे पहाड़ों में भी दूरस्थ क्षेत्रों में आसानी से किताबें उपलब्ध हो रही हैं। यहाँ पर कुछ युवाओं ने घोड़े की पीठ पर चलती फिरती लाइब्रेरी यानी घोड़ा लाइब्रेरी की शुरुआत की है, जो कि गाँव में पहुँच कर बच्चों को किताबी ज्ञान पूरा करवाने में मदद कर रही है। दरअसल पहाड़ों में अक्सर बारिश से रास्ते बंद हो जाते हैं और बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पाते। ऐसे में घोड़ा लाइब्रेरी दुर्गम स्थानों में भी पहुंच जाती है और बच्चों का नुकसान नहीं होने देती। हम लोगों ने एक ऐसी पहाड़ की चलती फिरती लाइब्रेरी की कल्पना की और उस चलती फिरती लाइब्रेरी के माध्यम से घोड़ों का उपयोग किया और घोड़ों के पीठ पर लाद कर हम लोग उन बाल साहित्य की पुस्तकों को बच्चों तक पहुंचा रहे हैं। इस घोड़ा लाइब्रेरी के माध्यम से हमारा प्रयास ये है कि पहाड़ के उस अंतिम बच्चे तक हम पहुंच पाएं और उसके भीतर एक पुस्तक संस्कृति बुक कल्चर को डेवलप कर पाएं। इस घोड़ा लाइब्रेरी में सामान्य ज्ञान, प्रेरक कहानियां और नैतिक शिक्षा संबंधी पुस्तकें भी दी जा रही हैं। ये पहल है नैनीताल जिले के कोटाबाग के आंवला कोट निवासी शुभम बधानी की, जिन्होंने युवाओं के साथ मिलकर बच्चों को साहित्य और नैतिक शिक्षा से जोड़ने की मुहिम की शुरुआत की। बाघिनी गांव से घोड़ा लाइब्रेरी शुरू करने का निर्णय लिया और इसके लिए गांव के लोगों की मदद से एक घोड़ा लिया। घोड़े की पीठ पर पुस्तकें रखकर वो टीम के साथ गांव-गांव जाते हैं और बच्चों को पुस्तकें देते हैं। युवाओं की ये टोली अब तक 300 से ज्यादा पुस्तकें बांट चुकी है। ऐसा पहली बार बच्चों को देखने को मिला है कि चलती फिरती लाइब्रेरी घोड़े पर, और जिसमें बच्चे बहुत उत्सुकता पूर्वक हमारे पास आ रहे हैं और इससे हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है और साथ ही साथ कम्युनिटी के लोग भी बहुत खुश हैं कि बच्चे खुद ब खुद जो किताबों से दूर भागते थे वो खुद वहाँ पर घोड़ा लाइब्रेरी के पास जा रहे हैं और बच्चों वहाँ से किताबें ले रहे हैं और पढ़ रहे हैं। कविता दीदी हमारे यहाँ एक घोड़ा लेके आई थी, उसके उसमें लिखा था घोड़ा लाइब्रेरी। उन्होंने हमें कुछ किताबें दी पढ़ने के लिए, जैसे सुझालू, लाइटनिंग और ऐसी बहुत सारी कहानियों की किताबें। उन्होंने कहा था कि वो वापस आएंगी और हमें जो कहानी पढ़ी थी वो बहुत अच्छी लगी थी। सिर्फ इतना ही नहीं, पुस्तकें पहुंचाने के साथ ही ये लोग चौपाल लगाकर नौनिहालों को अक्षर ज्ञान के साथ साथ कई फिजिकल एक्टिविटीज भी कराते हैं, जो बच्चों के बौद्धिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास दोनों के लिए ही बेहद कारगर साबित होती है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए उत्तराखंड से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
ये कितना दिलचस्प है कि आप अपने कौशल और रुचियों से भी विश्व रिकॉर्ड बना सकते हैं। जी हाँ, ऐसा संभव हुआ है और बहुत सारे लोगों ने अपने कौशल को, अपनी रुचियों को अपना पैशन बनाया और उसमें विश्व रिकॉर्ड हासिल किया है। आपको पुणे लिए चलते हैं और वहाँ की एक कलाकार से मिलवाते हैं जिन्होंने केक आइसिंग के क्षेत्र में अपनी एक अलग और नई पहचान बनाई है। आपके सामने दिख रहा ये खूबसूरत महल मार्बल का नहीं बना है, बल्कि ये तो खाने योग्य सामग्री से बनाया गया है। जी हाँ, ये है एक केक जिसे बनाया है पुणे की प्राची धबल ने। इसकी लंबाई 10 फीट और 1 इंच है और ऊंचाई 4 फीट 7 इंच है। इसकी चौड़ाई 3 फीट 8 इंच है और इसे अत्याधुनिक और रंगीन आइसिंग से सजाया है। ये केक कला का एक अद्वितीय उदाहरण है जो देखने वालों को चकित और हैरान कर रहा है। महाराष्ट्र के पुणे से आने वाली प्राची धबल देव ने काफी कम समय में कई और कीर्तिमान भी हासिल किए हैं। ये केक भारत की विभिन्न शाही महलों की भव्यता और शानदार विशेषताओं को प्रदर्शित करता है। रॉयल आइसिंग की दुनिया में उनकी रचनात्मकता और प्रतिभा ने उन्हें रॉयल आइसिंग की रानी का खिताब दिलाया है। कई लोगों ने तो उन्हें केक गर्ल ऑफ इंडिया का ही नाम दे डाला है। जब मैंने ये करियर स्टार्ट किया था, अपना फाइनेंशियल एनालिस्ट का जॉब छोड़ा था और मैंने जब इस फील्ड में काम करना शुरू किया, तो सही मायने में उस समय इसको एक करियर ही नहीं माना जाता था। लोग भी मेरे कलीग्स और बहुत सारे लोगों ने पूछा कि तुम एक अच्छे खासे करियर को छोड़कर ये एक्सपेरिमेंट क्यों कर रही हो। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे, जब मैं काम करती थी मुझे समय का पता नहीं चलता था। मैं बहुत ज़्यादा खुश रहती थी ये काम करने में और मुझे आज भी उस चीज़ में मैं बिलीव करती हूँ कि अगर आप कोई ऐसा काम करें जो आपको, जिससे खुशी मिले, आप अपना इनकम सोर्स भी जेनरेट कर सकें और आप वो काम करते हुए आपको टाइम का पता ना चले, उससे बेहतरीन काम और कुछ नहीं हो सकता है। मुझे 2019 में केक मास्टर्स अवार्ड्स, जो हमारी इंडस्ट्री का बहुत ही प्रेस्टीजियस अवार्ड माना जाता है, उसे केक ऑस्कर्स भी बोला जाता है, जो कि हर साल बर्मिंघम में होता है, मुझे 2019 में रॉयल आइसिंग के लिए वहाँ से अवार्ड मिला था। फिर वहाँ से आने के बाद मुझे फोर्ब्स में वन ऑफ द मॉडर्न इंडियाज गेम चेंजर्स के तौर पे फीचर किया गया था। दिलचस्प बात यह है कि इस महल की पूरी संरचना खाने योग्य है। इसका नुस्खा भी कुछ इस तरह से विकसित किया गया है कि ताकत, स्थिरता और ताजगी लंबे समय तक बनी रहे। ये एक सप्ताह के भीतर खाने और सेवन करने के लिए अच्छा है। इसमें शाही टुकड़े का उपयोग किया गया है जो इसे आने वाले कई सालों तक संरक्षित संरचना के रूप में रखने के लिए काफी अच्छा बनाता है। प्राची की उपलब्धियां उसके जुनून और दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। उनकी असाधारण प्रतिभा ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है। वो युवा कलाकारों को अपने सपनों को आगे बढ़ाने और अपनी रचनात्मकता की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती रहती हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए महाराष्ट्र से रुखमानत पोद्दार और रूही मलिक की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। ऐसी ही अच्छी खबरों के सफर को अभी जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है। जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। श्री अन्न को दी गई प्राथमिकता से देश के छोटे किसान, हमारे आदिवासी भाई बहन जो किसानी करते हैं, उनको आर्थिक संबल मिलेगा और देशवासियों को एक स्वस्थ जीवन मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर श्री अन्न यानी मिलेट्स को एक नई पहचान मिली है और जन जन इसे अपना रहा है और जन भागीदारी की मुहिम चल पड़ी है। इस पहल से वैश्विक मंच पर कम पानी की खपत वाली सघन एवं पोषक फसलों को बढ़ावा मिलेगा। मिलेट्स जलवायु अनुकूल है और आसानी से उगाए जा सकते हैं, जिससे किसानों की आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के जरिए श्री अन्न की खपत में वृद्धि होगी, पोषण सुरक्षा मिलेगी और मिलेट्स की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक नई पहचान सुनिश्चित होगी। प्रोटीन, विटामिन, खनिजों से भरपूर मिलेट्स ग्लूटेन फ्री होते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए भी सर्वश्रेष्ठ हैं। आइए भोजन में श्री अन्न को अपनाएं, जीवन को स्वस्थ और समृद्ध बनाएं। चाची, कल्याण भव, सुखी भव और सबसे जरूरी आशीर्वाद, आयुष्मान भव। वो तो मोदी सरकार सबको दे रही है। देश के धनी आदमी जिस प्रकार से
आरोग्य की सेवा प्राप्त कर सकते हैं, अब मेरे देश के गरीब को भी वही सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। शुरू हो रहा है आयुष्मान भव अभियान 17 सितंबर से। आयुष्मान आपके द्वार का तीसरा चरण, मोबाइल से ही बन जाएगा आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान मेला आयोजन, जहां कई बीमारियों की होगी मुफ्त जांच और इलाज। अंगदान शपथ पंजीकरण, जिससे हमारे बाद भी किसी और को मिले जीवन। रक्तदान शिविर और आयुष्मान सभा का आयोजन। इन सुविधाओं का लाभ उठाने नजदीकी आयुष्मान हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर जाएं। अब होगा जन जन आयुष्मान। दिन दिनक दिन दिनक दिन दिन दिनक दिन जाना। अरे गोविंदा जी, आप यहाँ? हाँ बबुआ, हम यहाँ। पर तुम का छुपा रहे हो वहाँ? कुछ भी तो नहीं। जब दांत खाट की खुजली पे ना हो काबू, तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाट की खुजली एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। और अब आपको एक अनूठे अभियान की बात बताते हैं। जी हाँ, एक ऐसा अभियान जहाँ बच्चों के यानी कि छात्रों के अशिक्षित माता पिता को शिक्षित करने की पहल चल रही है। इस पहल को नाम दिया गया है अंगूठे से अक्षर अभियान। और इस अभियान में जो लंच टाइम होता है स्कूल का, उसमें माता पिता को बुलाया जाता है, अभिभावकों को बुलाया जाता है और टीचर्स उन्हें पढ़ाते हैं, और वो भी बिल्कुल मुफ्त। ये लंच टाइम में गांव के अंदर चल रही है एक अद्भुत सी क्लास। जी हाँ, यहाँ कॉलेज में शिक्षक ही नहीं बल्कि बच्चे भी गांव की निरक्षर महिलाओं और पुरुषों को साक्षर बना रहे हैं। बाराबंकी जिले में सिरौली गोसपुर ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय गहरेला में चल रही इस पहल को नाम दिया गया है अंगूठा से अक्षर। जी हाँ, ये देखिए किस तरह कक्षाओं में महिला और पुरुष कागज कलम लेकर अक्षरों का ज्ञान ले रहे हैं। इसमें कोई 30 तो कोई 50 साल का है, कुछ ने तो पहली बार कलम पकड़ा है और ये ठीक से पकड़ भी नहीं पा रहे, लेकिन साक्षर होने की ललक सभी में है। ये बेहद खूबसूरत नजारा है जहां बच्चों के साथ शिक्षक भी सिखा रहे हैं ककहरा। कौन सा अक्षर है? ना, 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 ये कैसा बना? नल जैसा बना है ना। क्लास शुरू करने के साथ सबसे पहले उन्हें उनका नाम लिखना सिखाया जा रहा है। जैसे कोई चीज लिखा है तो क्या जान पाएंगे कि क्या है बना है, और जैसे पढ़े लिखे हैं तो वो जान जाएगा कि बना है। पढ़े लिखे ना हो तो कोई चीज पढ़ लिख ना पाई हो, कहीं पर लिखा होगा उसको जान ना पाई हो, दो चार दिन में 10 दिन में सीख जाएंगे। थोड़ा बहुत लिख लिए लागे हैं सर जी, बहुत बताए हाथ पकड़ पकड़, जैसे बच्चन को बतावा तो ऐसे हमको बताइन है। स्कूल के शिक्षकों का कहना है कि बच्चों की पहली शिक्षिका माँ होती है, इसलिए हर महिला को साक्षर होना चाहिए। अगर माँ शिक्षित है तो बच्चे भी शिक्षित और संस्कारित होंगे। हम दोनों ने मिलकर के अपने विद्यालय से ही शुरुआत करी, रसोईयां से ही। उसके बाद फिर धीरे धीरे जब हम लोग छात्र विभाग शिक्षक विभाग मीटिंग करते थे या SNC की मीटिंग करते थे, तो उसमें जो अभिभावक आते थे उसमें से बहुत सारे अंगूठे मिलते थे हम लोगों को पहले, तो वो हमने फिर इस मीटिंग में हमने बात शुरू की कि ये अंगूठा लगाना बंद करिए आप लोग, और एक अंगूठे से अक्षर की ओर एक अभियान की शुरुआत हम लोगों ने करी थी 2021-22 के आसपास। तब फिर हम लोगों ने शुरू किया साइन करना सिखाना। लंच टाइम में हम लोग बुलाते हैं और सिखाते हैं। जब साइन वाइन करने की बात होती थी, जब किसी चीज़ के लिए हम लोग गार्जियन को बुलाते थे और बोलते थे कि यहाँ साइन करनी है आपको, तो हमें उसको पहले तो पढ़ के बताना पड़ता था, ऊपर से उसके बाद भी वो लिख नहीं पाते थे। अक्सर लोग अंगूठा ही लगाते थे, वो बहुत ऑड लगता था। तो हम लोगों ने ही अपने स्कूल में शुरुआत की कि जो भी हमारे पास खाली टाइम हो या उनके पास जो भी खाली टाइम हो उसको हम यूटिलाइज करके उनको कुछ सिखा सकें। शुरुआत हुई थी नाम लिखने से कि लोग साक्षर हो जाए, इतना हो जाए कि कम से कम अपनी हस्ताक्षर कर लें। विद्यालय की पढ़ाई बाधित न हो, इसलिए निरक्षरों के लिए यह अनूठी क्लास लंच के टाइम चलाई जा रही है।
शिक्षा पाने की ललक ऐसी कि महिलाएं भी घरेलू कामकाज से वक्त निकालकर आसानी से क्लास ले रही हैं, जिससे उनके जीवन में भी आशा की एक नई किरण जगी है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए बाराबंकी से नितिन श्रीवास्तव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। यह वक्त हुआ है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। चाची, कल्याण भव, सुखी भव, और सबसे जरूरी आशीर्वाद, आयुष्मान भव। वो तो मोदी सरकार सबको दे रही है। देश के धनी आदमी जिस प्रकार से आरोग्य की सेवा प्राप्त कर सकते हैं, अब मेरे देश के गरीब को भी वही सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। शुरू हो रहा है आयुष्मान भव अभियान 17 सितंबर से। आयुष्मान आपके द्वार का तीसरा चरण, मोबाइल से ही बन जाएगा आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान मेला आयोजन, जहां कई बीमारियों की होगी मुफ्त जांच और इलाज। अंगदान शपथ पंजीकरण, जिससे हमारे बाद भी किसी और को मिले जीवन। रक्तदान शिविर और आयुष्मान सभा का आयोजन। इन सुविधाओं का लाभ उठाने नजदीकी आयुष्मान हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर जाएं। अब होगा जन जन आयुष्मान। दिन तिनक दिन, तिनक दिन, दिन तिनक दिन, तुम जाना। दिन, दिन। अरे गोविंदा जी, आप यहाँ? हाँ बबुआ, हम यहाँ। पर तुम क्या छुपा रहे हो वहाँ? कुछ भी तो नहीं। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू, तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का, और अब आपको मिलवाते हैं गुजरात के सूरत के रहने वाले 65 वर्षीय एक शख्स से, जिन्होंने एक अनोखी साइकिल बनाई है। अनोखी इन मायनों में कि ये इलेक्ट्रिक से चलती है और रिंग के आकार की है, और ख़ास बात ये है कि ये कबाड़ के इस्तेमाल से बनाई गई है। इसके लिए इन्होंने कोई ट्रेनिंग भी नहीं ली है, कुल 7वीं कक्षा तक पढ़े हुए हैं, लेकिन बहुत नायाब कारनामा करके दिखाया है। क्या है, आइए देखते हैं। कहते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, और हमारे देश में अपनी जरूरत के मुताबिक लोग जुगाड़ की मदद से अनोखी चीजें बना ही डालते हैं। अब आप सूरत के रहने वाले इन 65 वर्षीय नाटू भाई पटेल को ही देख लीजिए। फर्राटा भर रहे इस शानदार इलेक्ट्रिक साइकिल को इन्होंने कबाड़ की मदद से तैयार किया है। 7वीं कक्षा तक पढ़े नाटू भाई ने बिना किसी ट्रेनिंग या कोर्स के ये अनोखी साइकिल तैयार की है, जो रिंग बाइक की तरह दिखाई दे रही है। उनके इस हुनर की जमकर तारीफ भी हो रही है। ये जहां भी अपनी अनोखी जुगाड़ साइकिल लेके जाते हैं, लोगों की निगाहें इन पर टिक जाती हैं। मेरे को मोदी जी ने बताया था, जैसे सुना था कि इलेक्ट्रिक बाइक बनाना चाहिए, इलेक्ट्रिक तो पॉल्यूशन कम होता है। तो मेरा सपना हुआ कि भाई मैं भी बना लूँ। तो पहले मैं साइकिल बनाया, फिर थोड़ा थोड़ा करके एक गाड़ी बनाया, दो गाड़ी बनाया, ऐसे करके मैंने बनाया। आज मैं कोई नोवेल्टी चीज़ बना रहा हूँ। मेरे को इंटरेस्ट आया है। मैं पेट्रोल और बैटरी पे, दोनों पे चले ऐसी 2-in-1 बनाता हूँ गाड़ी। पेशे से रिपेयरिंग का काम करने वाले नाटू भाई के दिल में बाइक चलाने की बरसों से ख्वाहिश थी। अपने शौक को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रिक साइकिल बनाने का आइडिया दिमाग में आया, और लोहे के दो पाइपों की मदद से इसे पूरा कर डाला। रिंग के डिजाइन वाली ये बाइक अपने डिजाइन और लुक की वजह से काफी पसंद की जा रही है। इनकी माने तो एक बार में चार्ज करने पर ये साइकिल 35 से 40 किलोमीटर तक चलती है। थोड़ा इधर से लाऊं, थोड़ा इधर से लाऊं, ऐसा करके ना कबाड़ी में से ढूंढ के लाऊं, ये सब जूना पुना करके बनाया, अच्छी सी संगार कर लिया ऐसा। और अभी मैं बैटरी चार्ज करता हूं तो मेरा 45 किलोमीटर चलता है।
कुछ नया करने और इनोवेटिव सोचने के लिए ना तो उम्र बाधा बन सकती है और ना ही कागजी शिक्षा। नाथु भाई जैसे कुछ लोग हैं जिन्होंने भले ही डिग्रियां ना हासिल की हो, लेकिन अपनी काबिलियत के दम पर कुछ ऐसा जरूर कर दिखाया है जिसकी वजह से वो चर्चा का विषय बने हुए हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए सूरत से लोपा दरबार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखा आपने 65 वर्षीय इन शख्स का ये नवाचार, और अब आपको युवाओं का एक नवाचार दिखाते हैं। आपको जम्मू कश्मीर के उधमपुर लिए चलते हैं जहां पर छात्रों ने कुछ ऐसा नवाचार किया है जो आपके लिए फायदे का सौदा साबित हो सकता है। जी हां, इन्होंने भूस्खलन जांच प्रणाली और चेतावनी सेंसर बनाया है जो भूस्खलन की प्रारंभिक जाँच कर सकेगा और समय रहते चेतावनी भी दे सकेगा, जो आपके लिए बेहद कारगर साबित हो सकती है। देखिए ये रिपोर्ट। मिलिए जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में शहीद इंस्पेक्टर कमल सिंह गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल के इन तीन छात्रों से, जिन्होंने प्रारंभिक भूस्खलन का पता लगाने के लिए चेतावनी सेंसर प्रणाली विकसित की है। ये तीन छात्र तारुष कुमार, शिखर जामवाल और संदीप सिंह हैं, जिन्होंने भूस्खलन की समस्या को गंभीरता से लिया है और इसके प्रभाव को कम करने के मिशन पर निकल पड़े हैं। हमारा जम्मू कश्मीर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से जूझ रहा है, दैट इज़ लैंडस्लाइड। इस टाइम लैंडस्लाइड से बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि बहुत देर तक ट्रैफिक, मे बी कभी कभी इससे डेथ भी हो जाती है। तो इसी प्रॉब्लम को देखते हुए हमारे स्कूल के दो तीन छात्रों ने मिलकर एक प्रोजेक्ट बनाया है, दैट इज़ अर्ली लैंडस्लाइड डिटेक्टर। तो इस प्रोजेक्ट में हमने डिफरेंट कंपोनेंट्स का यूज़ किया है कि जिससे हमें पहले ही पता चल सकेगा कि आगे लैंडस्लाइड होने वाली है और हम लोगों को सावधान कर सकेंगे कि आप रुक जाएं, आगे लैंडस्लाइड होने वाली है। और एक और बात कि इस चीज़ की इंस्पिरेशन हमने अपने गवर्नमेंट से ही ली है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर सर ने, उन्होंने डिफरेंट प्रोग्राम लॉन्च कर रखे हैं, तो उन्हीं से इंस्पायर होकर हमने ये प्रोजेक्ट बनाने का सोचा। प्रारंभिक भूस्खलन का पता लगाने और चेतावनी सेंसर प्रणाली में तीन सेंसर का एक सेट शामिल है जो भूस्खलन जोखिमों में योगदान देने वाले विभिन्न मापदंडों का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है। इन सेंसरों में आर्द्रता और नमी सेंसर, साथ ही साथ कंपन सेंसर भी शामिल है। कंपन सेंसर को प्रभावित क्षेत्र में जमीन के कंपन और गतिविधियों की निगरानी के लिए प्रोग्राम किया जाता है। ये सेंसर क्षेत्र में मिट्टी की स्थिति और वर्षा की तीव्रता पर वास्तविक समय डेटा प्रदान करने के लिए मिलकर काम करते हैं। हमने एक लैंडस्लाइड का प्रोजेक्ट बनाया है। इस प्रोजेक्ट से बहुत सारे हिली रीजन्स को फायदा होगा। जैसे हमने जे एंड के लिए प्रोजेक्ट बनाया है, जम्मू एंड कश्मीर का बनाया है, क्योंकि इधर बहुत सारे लैंडस्लाइड्स आते रहते हैं जिससे ट्रैफिक हो जाता है, किसी की जान भी जा सकती है, जान चली जाती है। तो इसलिए हमने ये प्रोजेक्ट बनाया है ताकि एक किलोमीटर पहले ही हम लोगों को आगाह कर दे कि लैंडस्लाइड होने वाली है, तो आप इससे दूर रह जाएं। सर, हम प्राइम मिनिस्टर सर से बहुत इंस्पायर हुए हैं। बच्चे इससे भी इंस्पायर होंगे, जब एक बच्चा कोई चीज़ बनाता है तो दूसरे बच्चे उसको देख के कोशिश करते हैं कि हम भी कुछ नया करें, तो इससे सभी बच्चों को फ़ायदा ही होगा। और गरीब बच्चे हैं, तो मैं यही कहूँगी कि गरीब बच्चों का जितना हो सके उतना गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उनका बेनिफिट उनको मिलना चाहिए। तो ये पॉलिसीज़ जो हैं हमारे बेनिफिट के लिए हैं। अब हमारे अपने जो बच्चे हैं, मेरे जो आसपास के बच्चे हैं, वो सभी गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, और गवर्नमेंट स्कूल्स में जो भी टीचर्स लगाए गए हैं काफ़ी वेल एजुकेटेड, वेल क्वालिफाइड हैं, वो इन पॉलिसीज़ का बेनिफिट बच्चों को दे रहे हैं, और बच्चे इससे काफ़ी बच्चों को फ़ायदा होगा। एकत्र किए गए डेटा को विशेष रूप से छात्रों द्वारा डिजाइन किए गए एक परिष्कृत सर्वो मॉडल का उपयोग करके संसाधित किया जाता है। ये मॉडल सुरक्षित या अलर्ट के रूप में वर्गीकृत चेतावनियां उत्पन्न करने के लिए सेंसर डेटा का विश्लेषण करता है। जब संभावित भूस्खलन की स्थिति का पता चलता है तो अधिकारियों और निवासियों को आसन्न खतरे के बारे में चेतावनी देने के लिए एक स्वचालित चेतावनी प्रणाली सक्रिय हो जाती है। ये तीनों छात्र NGO PYJAM के अपने समर्पित प्रशिक्षक के मार्गदर्शन में अपने प्रोजेक्ट पर लगन से काम कर रहे हैं। इन्होंने एक प्रोग्राम भी विकसित किया है जो लैपटॉप पर चलता है और सेंसर डेटा की लगातार निगरानी करता है। प्रोग्राम आर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर के साथ मिलकर आवश्यक होने पर चेतावनी संकेत ट्रिगर करता है। हमने एक प्रोजेक्ट तैयार किया जिससे कि हम लैंडस्लाइड होने से पहले ही उसे पता कर सके, दैट इज अर्ली लैंडस्लाइड डिटेक्टर, जिसमें
हमने वेरियस कंपोनेंट्स का यूज़ किया, जैसे कि हमने इसमें यूज़ किया मॉइस्चर सेंसर का, वाइब्रेशन सेंसर का और ह्यूमिडिटी सेंसर का, जिससे हमें पहले ही पता लग जाएगा कि लैंडस्लाइड होने वाली है, तो हम पहले ही लोगों को अवेयर कर लेंगे कि यहाँ पे लैंडस्लाइड होने वाली है और यहाँ पे मत जाओ। ये हम ट्रैफिक सिग्नल्स के जहाँ ऑफिस होते हैं वहाँ पे क्रिएट करेंगे और वो पहले ही सिग्नल्स भेज देंगे कि यहाँ पे लैंडस्लाइड हो चुकी है, वहाँ पे मत जाओ। इन युवाओं का ये नवाचार क्षेत्र में भूस्खलन के प्रतिकूल प्रभाव को काफी हद तक कम करने का वादा करता है। उम्मीद है कि ये रचनात्मकता और नवाचार महत्वपूर्ण चुनौतियों से निपटने में कारगर साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखा आपने, कहीं युवाओं के बुजुर्गों के नवाचार हैं, तो कहीं शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने की मुहिम है, कहीं एक दूसरे की मदद के लिए लोग हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, एक दूसरे के लिए प्रेरणा के स्रोत बन रहे हैं। तमाम ऐसी अच्छी खबरें हैं देश भर में जो हम समेट कर आपके लिए लेकर आते हैं। देश भर में तमाम लोग अच्छे प्रयास कर रहे हैं और उन प्रयासों को आप तक पहुँचाना हमारा काम है। आपसे भी अपील करते हैं कि आप भी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देश और समाज के विकास में अपना योगदान ज़रूर दीजिए। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और अच्छी कहानियों के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।